नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मुंबई से लेकर हैदराबाद तक एक बहुत बड़ा प्रयोग हो रहा है। मुंबई में यह प्रयोग भाईजान कर रहे हैं, हैदराबाद में यह प्रयोग इंडिया अलायंस वाले कर रहे हैं, और दोनों के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कल वक्फ संशोधन बिल पर मुंबई में JPC की एक अहम बैठक होनी है, मगर उससे पहले दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। AIIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री मुंबई में हो चुकी है। दूसरी तरफ भाईजान के गढ़ हैदराबाद में मोदी के सारे दुश्मन एक मंच पर इकट्ठा हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन सब के सांसद दिखाई दिए। सब ने एक मंच साझा किया, एक दूसरे का हाथ पकड़ा, मुसलमानों को इकट्ठा किया और वक्फ बिल के पीछे छिपकर मोदी को नॉनस्टॉप टारगेट किया, और सब कुछ हुआ कैमरे पर। इस बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वक्फ पर शुरू हुई मुस्लिम प्रयोगशाला में क्या ISI और चीन ने भी पर्चा डाला है? पिछले 24 घंटों में जो भी कुछ हुआ, वो अगले 24 घंटों के लिए कैसे खतरे की घंटी है, आप देखिए। बहुत गौर से देख लीजिए इस तस्वीर को, एक एक चेहरे को पहचान लीजिए। इसमें सियासी चेहरे भी हैं, कांग्रेस वाले, सपा वाले, आम आदमी पार्टी वाले, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, सब एक साथ नजर आए हैं। बस कुछ घंटों पहले की बात है, मोदी के सारे दुश्मन एक मंच पर, एक लोकेशन पर दिखाई दिए हैं, और उन सब की तकरीर आने वाले बहुत बड़े खतरे की घंटी है। पहले छोटा सा टीजर देख लीजिए, पूरी पिक्चर आगे दिखाएंगे। आज जो हालात मुल्क के अंदर बने हैं, लड़ाई मुसलमानों तुम्हारे खिलाफ नहीं है, लड़ाई इस्लाम के खिलाफ है। बड़े जलसों के आयोजन करिए अमरावती के अंदर और करिए पटना के अंदर। आज बदकिस्मती है, हम मुसलमान भी नहीं रहे, हम मुल्क में अल्पसंख्यक हो गए। ये आग लगाई है, आज जरूरत है इस बात की कि जागो और अपने तमाम हम वतनी भाइयों के साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम करो। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद किस लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं? अमरावती और पटना में मोदी के दुश्मन क्या करने वाले हैं? नरेंद्र मोदी के दुश्मन कहां कहां इकट्ठा हो रहे हैं, क्यों एक जगह जुट रहे हैं? मोदी विरोधी पार्टियों के नेता मौलानाओं की टोली के साथ मिलकर किस खतरनाक प्लान पर काम कर रहे हैं, किस नई स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं? 125 करोड़ लोग यहाँ पर जो दिल से इस्लाम को सच्चा जानते हैं, वो कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ संजय सिंह जी हैं, मेरे साथ अखिलेश जी हैं, मेरे साथ राहुल जी खड़े हैं, तमाम पूरा मुल्क खड़ा है, कोई परवाह नहीं है। मेरे साथ अखिलेश हैं, मेरे साथ राहुल हैं, मेरे साथ संजय सिंह हैं, ये कहकर समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्ला नदवी किस कुर्बानी की ओर इशारा दे रहे हैं? क्या मोदी के सारे दुश्मनों ने मिलकर मुसलमानों के पीछे छिपकर सरकार को टारगेट करने का इरादा कर लिया है, और क्या इसीलिए इतना मुस्लिम हो रहा है? मुर्दा कौम और सोई हुई कौम के साथ कोई समझदार आदमी खड़ा नहीं होता। हिंदुस्तान की हुकूमत को ये पता लग जाए कि सोई हुई कौम जाग गई है। देश में मुसलमानों के नाम पर अचानक से एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला खुली है। इस प्रयोगशाला की कमान मोदी विरोधी इकोसिस्टम के नेताओं ने थाम रखी है। दिन रात, सुबह शाम, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर नॉनस्टॉप मोदी हो रहा है, और हर लोकेशन पर मोदी के नाम से पहले मुसलमान वाला एंगल फिट करके परोसा जा रहा है। लोगों को सड़क पर उतरने के लिए उकसाया जा रहा है। कैसे तय करोगे प्रधानमंत्री जी, क्या मुसलमानों के घर में CCTV कैमरा लगाओगे? 5 वक्त की नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, क्या आप तय करोगे कि वो जुमे की नमाज पढ़ता है तो मुसलमान माना जाएगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो मुसलमान माना जाएगा, या मुसलमान के घर में पैदा हो गया तो मुसलमान माना जाएगा? आप कौन होते हैं, किसने आपको हक दिया ये तय करने का कि आप तय करेंगे कौन मुसलमान? पिछले 48 घंटों में इस प्रयोगशाला को 2 लोकेशंस पर एक्टिवेट किया गया। नंबर 1 है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और नंबर 2 है हैदराबाद। और इस प्रयोगशाला में जिस सब्जेक्ट को जोर शोर से उठाकर मोदी पर निशाना साधा जा रहा है, वो है वक्फ संशोधन बिल। हैदराबाद वाले भाईजान
यानी बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी के नेता पहले चलो मुंबई का नारा देकर मुंबई को घेर लेते हैं। अगले दिन बैरिस्टर ओवैसी खुद मुंबई पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही महाराष्ट्र चुनावों में मुसलमानों का वोट बटोरने के लिए वक्फ 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 वाला टेप ऑन कर देते हैं। ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाए। ये सब एक मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों को छीनना चाहते हैं, कब्रस्तानों को छीनना चाहते हैं, इसलिए इस बिल को लाए हैं लोग। बैरिस्टर ओवैसी मुंबई पहुंच गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, जलसे को संबोधित भी कर दिया, मगर असली खेला मोदी विरोधी नेताओं और मौलानाओं का असली जमावड़ा मुंबई में नहीं, भाईजान के गढ़ हैदराबाद में हुआ। लीडर्स यूनाइट अगेंस्ट वक्फ संशोधन बिल के नाम से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उसमें मोदी के सारे दुश्मनों को इनवाइट किया गया, सबसे आधे आधे घंटे के स्पीच दिलवाई गई, जमकर मुस्लिम मुस्लिम किया गया। और टारगेट पर कौन था? टारगेट पर थे नरेंद्र मोदी। मोदी जी की सरकार वक्फ बिल संशोधन बिल लेके आ रही है, इस पे आपके क्या विचार हैं? मैंने कहा ये उसी तरीके से है कि तू कौन मैं खामखा। वक्फ बिल से नरेंद्र मोदी का क्या लेना देना है? वक्फ बिल से अमित शाह का क्या लेना देना है? वह बिल से भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? इमरान मसूद बैठते हैं लोकसभा में, आप गए थे भला कराने मोदी जी से? कौन मुसलमान गया था भाई? कोई गया था मोदी जी के पास ये कहने कि हमारा भला कर दो? अरे मुसलमानों को उनकी हालत पे छोड़ दो, मोदी जी भला करना तो दूर, जैसे हैं वैसे ही रहने दो। आज मुसलमानों की करेंगे, कर गुरुद्वारा की जमीन कब्जा करेंगे, फिर मंदिरों की जमीन कब्जा करेंगे, फिर चर्चों की जमीन कब्जा करेंगे, सिखों की, ईसाइयों की, हिंदुओं की, मुसलमानों की, सबकी जमीन कब्जा करेंगे। अभी तो शुरुआत है, अगर इनको अभी नहीं रोका तो आने वाले दिनों में सभी धर्म के लोगों को चोट पहुंचाई जाएगी, उनके जमीनों पर कब्जा किया जाएगा। इसलिए इस लड़ाई को हमें बड़ा बनाना है, छोटा नहीं बनाना है। वक्फ संशोधन बिल के पीछे छिपकर मोदी पर अटैकिंग बोली बोलने वाला ये इकोसिस्टम इस वक्त एक साथ कई जगह पर एक्टिव हो रखा है। वो सारे चेहरे जो वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के लिए बनी जेपीसी का हिस्सा है, वो सिर्फ बंद कमरों में जेपीसी की मीटिंग में नहीं बैठे, उन्होंने बाहर जाकर भी मोदी हटाओ मोर्चे से सांठ गांठ की, सीक्रेट मीटिंग्स की। उदाहरण के तौर पर यह तस्वीर गौर से देखिए, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने कुछ घंटों पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले से मुलाकात की है, वक्फ संशोधन बिल पर बात की है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों से मिलना कोई छोटा मोटा संयोग नहीं है, ये एक बड़े प्रयोग का हिस्सा है। उसकी आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाकर इस प्रयोग का एक चैप्टर हैदराबाद में दिखा है, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने खुलकर ऑन कैमरा बताया है कि कैसे पूरा का पूरा इंडी अलायंस वक्फ के नाम पर मोदी के खिलाफ हो रहे इस प्रयोग में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पार्टनर है। यही देखिए, आप कांग्रेस के लीडर भी हैं, आपके लीडर भी हैं, सपा के लीडर भी मौजूद हैं, जेएमएम जो झारखंड की पार्टी है उससे भी मुलाकात की है, मैं खुद कलकत्ता गया तो वहाँ जो मेंबर असेंबली हैं मौलाना चौधरी साहब, उनसे मुलाकात की। हम बोर्ड के वफद के साथ ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। एक और दिलचस्प बात नोट करने वाली है, और वो ये कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इंडी गुट को तो अपने पाले में कर ही चुका है, अब वो एनडीए के सहयोगी दलों पर भी नजर गड़ाए बैठा है। हैदराबाद में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बाकायदा तीन नामों का खास तौर पर जिक्र किया गया, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान को अपने पाले में करने का टेप चलाया गया।
ये टेप AIMPLB के अध्यक्ष ने भी चलाया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी वही पैंतरा अपनाया। गौर से सुनिएगा। जो NDA के सहयोगी हैं, इत्तेहादी हैं, हम बराबर उनसे रابطे में, चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात की है, नीतीश कुमार से भी मुलाकात की है, चिराग पासवान से कल भी मुलाकात की है। इसमें तीन खिलाड़ी बहुत मजबूत हैं और तीन खिलाड़ी सबसे अहम हैं। नंबर एक, तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रा बाबू। नंबर एक तेलुगु देशम पार्टी के। नंबर दो JDU के नीतीश कुमार। नंबर तीन LJP के चिराग पासवान। ये तीन प्लेयर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों से अगर हम लोग बातचीत कर लें और ये कहें कि एक बड़ी साजिश है देश के अंदर देश का माहौल खराब करने की, नायडू साहब आइए और इस बिल का विरोध कीजिए। नीतीश कुमार जी से भी यही अपील है और चिराग पासवान से भी यही अपील है। इससे एक चीज तो शीशे की तरह साफ हो गई है, मौलानाओं और इंडिया अलायंस की टोली वक्फ संशोधन बिल के पीछे छिपकर मोदी सरकार को कमजोर करना चाहती है। एक हिडन एजेंडा चल रहा है। वो हिडन एजेंडा क्या है ये आपको समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्ला नदवी खुद बताएंगे, कैमरे पर समझाएंगे कि इस टोली का असली मकसद क्या है। इनकी बातें सुनकर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ए भाइयों, लड़ने वालों सुन लो, इस बिल का मकसद ये है, इस बिल का मंशा ये है कि आपको रहना है तो मुसलमान बन के नहीं रहना है, हमारे दीन के मुताबिक चलना है। जब हुकूमत ही जलालत पर आ जाए, जहालत पर उतर आए, तो फिर गयूरों को खड़ा होना चाहिए, गैरतमंदों को आगे आना चाहिए। और बुजदिलों की जरूरत ना कभी थी, ना है, ना रहेगी। अंग्रेज तो चले गए और बड़ी अच्छी बात कही पार्लियामेंट में भी संजय सिंह जी ने कि अंग्रेज जा चुके लेकिन उन्हें पैसा भेजना, जो यहां से हजारों हजार करोड़ रुपए कौन कौन लेके जा रहा है वो तो ये तफसील से बताएंगे, उनके एजेंट ही हुकूमत कर रहे हैं। खुदारा इन्हें बदलो। और देखो, हम नहीं, अपने भाई इतने अच्छे, इतने सीधे लोग हैं, इन्हें तो ये दिखाया गया कि बस काला धन आएगा तो 11-15 लाख रुपए उसमें अकाउंट में आ जाएंगे, तो सारे वोट लोगों ने दे दिए। इतने सीधे लोग, इनको कुछ कुछ पहचानते कुछ लोग हैं कि ये हर मर्ज की दवा इनके यहां क्या है। रातों दिन चिल्लाते हो, पैसे देकर जलसे गाहों को भरते हो, मशीनों में गड़बड़ गड़बड़ सड़बड़ करके इख्तदार पर काबिज होते हो, तो तुम्हें बस्तियां जलाने में दर्द क्यों होगा। 400 पार का था इरादा था, अब गड़बड़ सब हो गई, तो बहरहाल मायूसी की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि दूसरा जो प्रोग्राम होगा उसमें सारे बिरादराने वतन और सारे लोग इंशाल्लाह मिलकर के करेंगे, और हम इस बिल के साथ साथ ही इस हुकूमत को भी सलाम करेंगे कि भाई अब अलविदा, बहुत हो गया। इंशाल्लाह उस अलविदाई का जो वो है प्रोग्राम, वो यही से तय हो इंशाल्लाह। सुन लिया आपने, सामने मुसलमानों की भीड़ बिठाकर, वक्फ के खिलाफ कॉन्फ्रेंस बुलाकर, कैमरे के लिए हाथ से हाथ मिलाकर ये जो फ्रेम बनाने की कोशिश हो रही है, दरअसल ये कुछ और नहीं, मोदी सरकार को मुस्लिम वोट बैंक वाली साजिश के फ्रेम में फंसाने की स्ट्रेटजी है। इससे जुड़ा एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट करते हैं और उसी के साथ साथ हाल फिलहाल में आपने वक्फ बिल के खिलाफ तरह तरह के पोस्टर्स देखे होंगे। आई रिजेक्ट वक्फ बिल वाला पर्चा सोशल मीडिया पर खूब फैला। आई रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। उससे पहले मुस्लिम मोहल्लों में एक QR कोड का भी जमकर प्रचार प्रसार हुआ। मुस्लिम मोहल्लों में लोगों को पकड़ पकड़ के QR कोड स्कैन कराया गया, करोड़ों ईमेल JPC को भेजे गए। मगर अब उसी JPC में शामिल BJP के सांसद निशिकांत दुबे ने एक बड़ा दावा कर दिया है। निशिकांत दुबे का दावा है कि करोड़ों की संख्या में आए फीडबैक में साजिश नजर आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यह कट्टरपंथी संगठनों, जाकिर नाइक जैसे लोगों, ISI और चीन की साजिश लगती है। दुबे का दावा है कि यह असंभव है कि अकेले भारत से 1,25,00,000 रिएक्शन मिले हों। उनके मुताबिक इतनी बड़ी संख्या में फीडबैक केवल भारत के भीतर से ही स्वाभाविक रूप से नहीं आ सकता। निशिकांत दुबे का दावा है कि कई फीडबैक की भाषा मिलती जुलती है, जिससे साजिश की बू आ रही है।
दुबे ने यह भी पूछा है कि सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इनमें से कितने सुझाव भारत के भीतर से और कितने विदेश से आए। निशिकांत दुबे ने फीडबैक की संख्या पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, इनमें आईएसआई और चीन का हाथ हो सकता है। निशिकांत दुबे ने वक्फ बिल पर मिले 1 करोड़ से ज्यादा फीडबैक पर चिंता जताते हुए कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल को लेटर लिखकर इस मामले की जांच की मांग कर दी है। नोट करने वाली बात यह है कि गुरुवार यानी 26 सितंबर को मुंबई में वक्फ के मुद्दे पर जेपीसी की मीटिंग होने वाली है। कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल मुंबई पहुंच चुके हैं, मगर उससे पहले निशिकांत दुबे के खुलासे और हैदराबाद में मोदी विरोधियों के जमावड़े ने इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। ऊपर से मौलानाओं की टोली ने भी नए सिरे से मजमा लगाकर मुसलमानों को भड़काने वाले प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट शुरू कर दिया है। दुश्मनान इस्लाम की यह साजिश है, मुआशी एतबार से इस कौम को कमजोर किया जा चुका, सियासी एतबार से भी इस कौम को कमजोर किया जा चुका, अब कोई चीज नहीं बचती। गहरी नींद में सोने वालों, अगर यूं ही गहरी नींद में सोते रहे ना तो कब्रिस्तान में सोने की जगह भी नहीं मिलेगी। जानते हो आप, जमीने तुम्हारे बाप दादा की, जमीने हमारे अजदाद की, कब्रिस्तान से लेकर मस्जिद मदरसे तक मालिक हम, मालिक हमारे बाप दादा। हमारे अजदाद ने वक्फ की थी कब्रिस्तान के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, लेकिन मालिक दूसरे बनने की कोशिश कर रहे हैं। ईमेल करने का कहा गया कि भाई अपनी राय शुमारी कराएं, अपनी राय दें ईमेल के जरिए, वक्फ बोर्ड को भेजें, तो उसमें भी मुसलमानों ने 3 से 4 करोड़ ईमेल पहुंचे गालिबन, लेकिन तादाद कितनी है मुझे बताओ। तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान हैं और ईमेल पहुंचे 3 से 4 करोड़। फिर मुसलमान कहता है यार हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। अरे यार मुसलमानों, तुमने आज हालात ऐसे बना लिए, तुम्हें ना अपने मुस्तकबिल की परवाह है, ना हाल की परवाह है, कोई मतलब नहीं, ना अपनी आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल की परवाह। मौलाना और मुफ्तियों की ये टोली ऐसे जलसे यूं ही नहीं कर रही, वक्त पर ऐसे ही तकरीरें नहीं कर रही, सबका ऑर्डर ऊपर से आया है। ऊपर यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसके मोदी विरोधी पार्टनर्स, यकीन नहीं होता तो AIMPLB के अध्यक्ष मौलाना रहमानी की ये बात सुन लीजिए, बाकायदा कैमरे पर बता रहे हैं क्या क्या करना है, पूरा प्लान समझा रहे हैं। बोर्ड इस बात की कोशिश कर रहा है कि हम दो काम बड़े पैमाने पर करें, एक तो अवामी जलसे कराएं और दूसरी कोशिश हम ये कर रहे हैं कि फिक्र साजी हो। बोर्ड आपको आवाज़ दे कि रैली निकाली जाए तो रैली निकालिए, बोर्ड आपको आवाज़ दे कि धरना किया जाए तो हम सबको पुरामन तरीके पर धरना देना चाहिए। अगर बोर्ड आपसे कहे कि भाई जेल भरो तहरीक हम चलाएंगे तो हम उम्मीद रखते हैं कि आप सब लोग जेल भरने को भी तैयार होंगे, तैयार रहेंगे इंशाल्लाह। ये लड़ाई जालिमों और मजलूमों के दरमियान है, ये लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, ये इस मुल्क के संविधान की हिफाजत की लड़ाई है, ये इस मुल्क के लिए हमारे बुजुर्गों ने जो सोचा था कि ये सिर्फ सरसों का खेत न हो बल्कि बहुत से फूलों का गुलदस्ता और बागीचा हो, उस रवायत और उस कैफियत को बाकी रखने की लड़ाई है, यह सच्चों की और झूठों की लड़ाई है। कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है और यह देखकर पाकिस्तान बहुत डिप्रेशन में चला गया है। जम्मू कश्मीर में वोटिंग के लिए लंबी लंबी लाइनें देखकर पाकिस्तानी हुक्मरानों और फौजी अफसरों के पसीने छूट रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि पिछले 75 सालों में जिस कश्मीर को लेकर इतना प्रोपोगेंडा किया वो सारा प्रोपोगेंडा तो मिट्टी में मिल रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है और इसका असर साफ देखा जा रहा है। बंपर वोटिंग हो रही है। आज जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए वोट डाले गए जिसमें करीब 54% वोटिंग हुई है। जिस कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकवादियों की एक कॉल पर पूरे चुनाव का बहिष्कार हो जाता था, वहां ऐसी बंपर वोटिंग देखकर पाकिस्तान तो तनाव में आएगा ही। असल में अब पाकिस्तान को यह समझ में आ गया है कि उसके हाथ से कश्मीर का मुद्दा बहुत पीछे छूट चुका है।
मकसद उनका है कि तोड़ फोड़ के किसी तरीके से आरएसएस या बीजेपी का कोई चीफ मिनिस्टर इंस्टॉल कर दिया। जम्मू कश्मीर के चुनावों से पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है? पाकिस्तान क्यों चाहता है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी नहीं कांग्रेस की सरकार बने? जम्मू कश्मीर के चुनावों को लेकर पाकिस्तान राहुल गांधी की तारीफ क्यों कर रहा है? ये तो अच्छी बात हुई ना कि कांग्रेस पार्टी ने जो मौकफ था हमारा वो तस्लीम किया। उन्हें क्या कि हम कश्मीरियों को उनका हक वापस दिलाएंगे और वो हक छीना गया है। पाकिस्तान क्यों कह रहा है कि कश्मीर के चुनावों के बाद भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक करेगा? पाकिस्तान क्यों डरा है कि कश्मीर चुनावों के बाद रॉ फिर से ऑपरेशन करेगी? पाकिस्तान क्यों कह रहा है कि अगर कश्मीर में बंपर वोटिंग हो गई तो फिर कश्मीर हाथ से चला जाएगा? जब 60% वोट डल जाते हैं उसका मतलब ये होता है कि हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। हाँ, उधर 10% वोट डलेगा तो उसका आइडिया ये होगा कि वो लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण के लिए वोट डाले गए। बड़ी संख्या में कश्मीरियों ने वोट डाले और इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। पाकिस्तान को डर लग रहा है कि उसका पिछले 75 सालों का नैरेटिव एक ही बार में खत्म हो रहा है। इसीलिए पाकिस्तान में दिन रात कश्मीर की वोटिंग पर चर्चा हो रही है। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने ये प्रोपेगेंडा किया कि कश्मीर में कुछ भी ठीक नहीं है। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने यह फैलाया कि कश्मीरी खुश नहीं है। पाकिस्तान ने यह बताया कि कश्मीरियों की आजादी की लड़ाई और तेज हो गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर के चुनावों में हुई बंपर वोटिंग पाकिस्तान के हर प्रोपेगेंडा की हवा निकाल रही है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 24 सीटों पर 61.38% वोटिंग हुई थी और दूसरे चरण में 26 सीटों पर आज शाम 5 बजे तक 55% के करीब वोटिंग हुई। यानी ये आंकड़े बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। जम्मू कश्मीर की बंपर वोटिंग बता रही है कि 370 हटने से आम कश्मीरी ज्यादा खुश हैं और यही सब पाकिस्तान से देखा नहीं जा रहा, क्योंकि उन्हें तो ये लग रहा है कि अगर कश्मीर में 60% वोटिंग हो गई तो कश्मीर हाथ से चला जाएगा। कश्मीर के कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हम ना कश्मीर में इलेक्शन होने देंगे और ना इधर इलेक्शन होगा और ना कोई करके दिखा सकता है इलेक्शन। देखिए, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम इसके बीच में सबसे पहला नाम आता है कि वो उधर इलेक्शन प्रॉपर करवा के दिखा भी रहे हैं, इलेक्शन की कंपेन भी चल रही है, इलेक्शन होंगे भी। अच्छा, इलेक्शन के बाद का मामला जो है वो किसी को आइडिया नहीं है। आपको मैं बड़ी चीज बताना जा रहा हूँ। देखें चोय साहब, इलेक्शन में वोट डलता है, अगर 60% या 50% वोट डल गया तो आपको इस चीज का आइडिया है कि अवाम किस तरफ जा रही है, कश्मीर की हैसियत चेंज। हमारा पाकिस्तान का जो स्टैंड है, एक सेकंड, कश्मीर की हैसियत चेंज होते हुए नजर आ रही है। पाकिस्तान के स्टैंड की आप बात कर रहे हैं, देखें मेरी बात सुने, जब 60% वोट डल जाता है उसका मतलब ये होता है कि हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। हाँ, उधर 10% वोट डलेगा तो उसका आइडिया ये होगा कि वो लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। 60% वोट का मतलब ये होता है कि वो हिंदुस्तान से खुश हैं, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को प्रॉपर वो ज्वाइन करेंगे, हिंदुस्तान के साथ उनके मामला होंगे, हर चीज हिंदुस्तान के साथ। ठीक है, अच्छा आबिद भाई, ये कैसे पॉसिबल होगा अगर लेट्स सपोज 60% वोट डलता है तो ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा उधर? क्या आपके ख्याल से क्या ऐसा लॉजिक है? क्या सवाल करें, पॉसिबल कैसे होगा? मुझे ये बात बताइए, G20 की मीटिंग कश्मीर में हुई कि नहीं हुई? आप बताइए मुझे, कार रेसिंग उधर हुई कि वर्ल्ड लेवल की कार रेसिंग उधर हुई कि नहीं हुई? मिस वर्ल्ड का जो है उधर कॉम्पिटिशन उधर हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज कश्मीर में बने के नहीं बने? दुनिया के श्रीनगर मॉल ऑफ श्रीनगर, इतना बड़ा मॉल उधर बना के नहीं बना? KFC, मैकडॉनल्ड, दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड उधर आए के नहीं आए? पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा सिरदर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर में हो रही रैलियां हैं, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा ही यही नैरेटिव बनाया कि मोदी को कश्मीर में पसंद नहीं किया जाता। लेकिन कश्मीर में मोदी की रैलियों में खूब भीड़ उमड़ रही है। अब पाकिस्तानियों को लग रहा है कि कहीं बीजेपी वहां सरकार न बना ले। लोग उधर वोट देते हैं जो आजादी की तरफ रुख हो, और अब भी आप देख लें कि इसका पस मंजर क्या है। 32 लाख आपने डोमिसाइल में इशू किया बाहर से लोगों से, हाईएस्ट सोल्जर सिविलियन रेशो 10:1, ये इधर है। तीसरा आप देख लें कि 2011 से सेंसस ही नहीं हुआ,
और उन्होंने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो उनका नॉमिनी है, उसको स्वीपिंग पावर्स, ही इज लाइक अ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो तो नॉमिनेट भी करेगा लोगों को। हाँ, नॉमिनेट, एग्जैक्टली, माइनॉरिटी, बिल्कुल, वो हर चीज उनके हाथ में है। तो ये तो सारा ढोंग रचाया जा रहा है। और आपने देखा डेमोग्राफिक बैलेंस तब्दील करने की कोशिश की, 47 सीट्स वैली की, 43 जम्मू की कर दी, जम्मू की, और 6 और बढ़ा भी दी उनकी। तो आप देखें कि मकसद उनका है कि तोड़ फोड़ के किसी तरीके से आरएसएस या बीजेपी का कोई चीफ मिनिस्टर इंस्टॉल कर। पाकिस्तानी देखिए किस हद तक झूठ फैलाने पर आ गए हैं। कश्मीर में पाकिस्तानी जब नैरेटिव की लड़ाई नहीं जीत पाए तो अब गलत बयानी कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भारत ने कश्मीर की डेमोग्राफी बदल दी है। पाकिस्तानी चैनलों पर दिन रात यही झूठ फैलाया जा रहा है कि भारत ने मुस्लिम कश्मीर में हिंदुओं को बसा दिया और उसके बाद चुनाव करवा रहा है। अगस्त 2019 के बाद से जब इनको यूनियन टेरिटरीज बनाई तो एक बहुत बड़ा मंसूबा मोदी सरकार ने शुरू किया कि यहाँ की जो आबादी है उसको, उसका मुस्लिम होना या मुस्लिम अक्सरीती होना, उसको तब्दील किया जाए। तो आपने देखा कि खासी बड़ी तादाद में नए वोटर्स आ गए हैं, नॉन कश्मीरी सब्जेक्ट्स आके आबाद किए गए हैं, और मेरे ख्याल में कोई तकरीबन 3.2 मिलियन के करीब वोटर्स जो है वो ऐड हुए हैं। मेरा ख्याल है कि यूं लगता था मुझे कि डेमोग्राफिक चेंजेस जो हैं वो शायद टाइम लेंगी, लेकिन उन्होंने खासी तेज़ी से ये काम किया है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी जो डीलिमिटेशन की है उसमें भी काफ़ी रद्द बदल नज़र आ रहा है। जम्मू में कुछ 6 के करीब इजाफा किया है, वैली में सिर्फ 1 किया है। उससे भी मुझे ये तासर मिल रहा है कि शायद ये ऐसे रिजल्ट लेना चाहते हैं जिसमें ये मुस्लिम अक्सरीती इलाका जो है वो मुस्लिम अकलीती इलाका बन जाए, या कम अज़ कम बराबरी की बुनियाद पर हो, ताकि बीजेपी की जो तादाद है उनकी जो सीट्स हैं वो बढ़ती जाएं और वो अपनी एक हुकूमत बना सकें। लेकिन कुछ पाकिस्तानियों को ये भी लग रहा है कि वो हिंदुस्तान से नैरेटिव की लड़ाई में हार गए। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि उन्होंने पिछले 75 सालों में कश्मीर को लेकर एक नैरेटिव बनाया था, कश्मीरियों को भड़का कर उन्हें आतंकवाद में उलझा कर रखा, कश्मीर में जबरदस्ती पार्टी बनने की कोशिश की, लेकिन जब से धारा 370 हटी पाकिस्तान का ये नैरेटिव भी धाराशाही हो गया, और अब कश्मीर के असेंबली इलेक्शन में रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों को लग रहा है कि पाकिस्तान भारत को कश्मीर गिफ्ट कर चुका है। और हम यकीन रखते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस का मतलब ही यही होता है कि आप लोगों का जो ओपिनियन है उसको किसी न किसी तरीके से एसेस करते हैं। और जिस वक्त हम ये काम कर रहे हैं उस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक प्रोसेस जो है किसी भी पब्लिक ओपिनियन को असेस करने का वो यही है। इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे लेकिन हमारी नज़र में ऐसा कोई फ़िलहाल मौजूद नहीं, तो इसलिए हम फैक्ट्स पे बात करेंगे। तो फैक्ट्स पे आप जब बात कर रहे हैं तो ये एक बुनियादी तौर पर बड़ी अनसेटलिंग किस्म की न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। अगर आप मसला कश्मीर को पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इसकी पूरी जो कंसिस्टेंसी है और कंटिन्यूटी है उसको सामने रख के तो देखें, जो कि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी गलती ये है कि ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान जो है वो डी ट्रैक हो गया, वो जो आप ड्रिफ्ट उसकी जो है एक अपने ख़ास मौक़ से एक ख़ास रास्ते पर जो चल रहा था उससे पाकिस्तान जो है वो उसने एक नया ट्रैक ले लिया। जाहिर तौर पर पाकिस्तान कश्मीर के नैरेटिव की लड़ाई तो कब की हार चुका है, अब तो बस सवाल यह है कि पीओके कब तक सलामत रहेगा। पाकिस्तान के सामने पीओके बचाने की पहली चुनौती है। पाकिस्तान 1987 के चुनावों की धांधली को याद कर रहा है। 1987 के चुनावों में हुई धांधली के बाद कश्मीर का सिनेरियो ही बदल गया था। कश्मीर में आतंकवाद पैदा हुआ। पाकिस्तान को झूठी उम्मीद है कि इस बार के चुनावों के बाद भी ऐसा ही होगा। पहले सूरतहाल ये होती थी कि जब भी मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो रियासती असम्बली है उसके इलेक्शन होते थे तो कश्मीर की तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उसका बायकॉट करती थी। आखिरी दफ़ा 1987 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें सैयद अली गिलानी साहब ने हिस्सा लिया था, उसके बाद उन्होंने कभी हिस्सा नहीं लिया, 1990 के बाद कभी हिस्सा नहीं लिया। अच्छा, अब इसमें ये देखें कि 1987 का जो इलेक्शन था उसमें जो धांधली हुई थी उस धांधली से एक मुजाहमती तहरीक ने जन्म लिया। 1987 के इलेक्शन में
जो श्रीनगर से बहुत से उम्मीदवार थे, वो उम्मीदवार बाद में जो एक मुसल्ला मुजामत शुरू हुई वो उसके कमांडर बन गए, और वजह उसकी क्या थी, इलेक्शन में धांधली। सैयद सलाहुद्दीन साहब उसके एक उम्मीदवार थे श्रीनगर से, जो कि जीत गए थे, लेकिन उनको धांधली से हरवा दिया गया। यासीन मलिक साहब जो हैं वो 1987 के इलेक्शन में सैयद सलाहुद्दीन साहब को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब सलाहुद्दीन साहब के साथ धांधली हुई उनको हरा दिया गया, तो यासीन मलिक साहब भी मुजाहमत में शामिल हो गए, खुद सलाहुद्दीन साहब मुजाहमत में शामिल हो गए, और डॉक्टर कासिम फख्तू भी मुजाहमत में शामिल हो गए। लेकिन पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर में हो रही राहुल गांधी की रैलियों में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनका और राहुल गांधी का नैरेटिव एक ही है। पाकिस्तानी ये उम्मीद जता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन गई तो पाकिस्तान का ही नैरेटिव चलेगा। पाकिस्तानियों का मानना है कि ये दोनों पार्टियां कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी करवा सकती हैं। इसीलिए राहुल गांधी के बयान पाकिस्तान में खासे हिट हो रहे हैं। आपका लोकतांत्रिक हक आपसे छीन लिया गया है, और आज जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चलाते हैं, आज जम्मू कश्मीर को दूसरे स्टेट के लोग चलाते हैं। ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ है कि किसी स्टेट से हमने उनका अधिकार छीन लिया और स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। पहली बार हुआ है, और मैं आपको यहां गारंटी देता हूं कि अगर बीजेपी ने आपको स्टेटहुड नहीं दिया तो हम विपक्ष में हैं, हम इंडिया गठबंधन का पूरा दम आपको स्टेटहुड दिलवाने में लगा देंगे। पार्लियामेंट का इस्तेमाल करेंगे, लोकसभा का इस्तेमाल करेंगे, राज्यसभा का, सड़कों में उतरेंगे, और हम आपको जो आपका हक है वापस दिलाएंगे। और अगर किसी कारण बीजेपी ने नहीं माना तो फिर हम पहला काम, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी जो बनने जा रही है, पहला काम हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देने का करेंगे। राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से पाकिस्तान में छाए हुए हैं। पाकिस्तानियों के वो फेवरेट इंडियन पॉलिटिशियन बने हुए हैं। पाकिस्तानी उन्हें खूब पसंद कर रहे हैं। खास तौर पर पाकिस्तान को कश्मीर पर इंडिया गठबंधन की नीतियां पसंद आ रही हैं। राहुल गांधी के चाहे अमेरिका में दिए बयान हो जिन पर भारत में हंगामा हुआ, या फिर जम्मू कश्मीर की रैलियों में हो रहे ऐलान हो, पाकिस्तानी राहुल गांधी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अभी क्या बयान आया राहुल गांधी का पिछले हफ्ते वॉशिंगटन डीसी, उनका नहीं कि सिक्स आर फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन इंडिया, कि उनका जिंदगी और मौत का खतरा है हिंदुस्तान के अंदर। कह रहे हैं राहुल गांधी। और आप मसीह बरादरी का क्या हो रहा है, वो कुकी लैंड का आपको पता ही है, जो नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश के साथ जो हालात हैं। तो इस वक्त पूरा खत्ता हिंदुस्तान का, मोदी का हिंदुस्तान, आरएसएस का हिंदुस्तान, हिंदुत्व का हिंदुस्तान हिला हुआ है। ये तो अच्छी बात हुई ना कि कांग्रेस पार्टी ने जो मौकफ था हमारा वो तस्लीम किया। उन्हें क्या कि हम कश्मीरियों को उनका हक वापस दिलाएंगे, और वो हक छीना गया है। चलो एटलीस्ट वो ये तो कंसीड किया। पहली दफा हिंदुस्तान के अंदर से, हिंदुस्तान के सियासी निज़ाम से, जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, उसने ये तो तस्लीम किया ना कि जो 5 अगस्त 2019 को किया था मोदी ने, वो गलत था। And that is not acceptable, that is rejected. But do they spell out मुशायद, how far will they go? के मतलब क्यों, क्या spell out ना करें, लेकिन status को तो तोड़ेंगे ना। लेकिन पाकिस्तानियों को नरेंद्र मोदी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे। असल में मोदी पाकिस्तान के हाथ से कश्मीर का मुद्दा छीन कर बहुत दूर ले गए हैं। आर्टिकल 370 खत्म करके मोदी ने कश्मीर पर पाकिस्तान का क्लेम ही खत्म कर दिया। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि दुनिया उसका साथ देगी, लेकिन यहां भी उसे विदेशों से कोई मदद नहीं मिली। उल्टे जिन मुस्लिम देशों के वो भरोसे थे, वो पाकिस्तान से ज्यादा मोदी के क्लोज नजर आते हैं। इसीलिए पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है। आज जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान भी हो रहा है।
ये मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लोग सुबह से ही वोट डालने के लिए कतारों में लग गए हैं। पहले चरण में जिस तरह जम्मू कश्मीर में वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा, वो भी दुनिया ने देखा है। कांग्रेस और इसके साथियों को जम्मू कश्मीर में शांति पसंद नहीं है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव को फिर से हवा देना चाहती है। तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस देश के दुश्मनों के एजेंडा को भारत में लागू करना चाहती है।